हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? दोस्तों, मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। वो एक एम्पलीफायर मैंने बनाया है और उसका वीडियो मैंने पहले ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तभी मैंने उसको एक लकड़ी के कैबिनेट के अंदर सेट कर दिया है, जो आप देख सकते हो। इस तरह से ये कैबिनेट में सेट हो गया है। ये पावर कंट्रोलर है, ये उसका वॉल्यूम का बटन है। दोस्तों, उसमें मैंने दो बीटी बोर्ड लगाए हैं। ये पहला बोर्ड है, ये वास कंपनी का है, जिसका ये ट्रबल है, ये बेस है, और ये वॉल्यूम कंट्रोलर है। ये दूसरा इंकोसन कंपनी का बोर्ड है, ब्लूटूथ वाला, जिसका ये बेस है, ये मीड है, ये ट्रबल है, और ये वॉल्यूम है। इस तरह से दो बोर्ड उसमें सेट कर दिए हैं। तो मैं अंदर से भी आपको दिखा देता हूँ कैसा है ये। दोस्तों, ये माई पीसीबी वास कंपनी का बोर्ड है, 4 IC वाला बड़ा बोर्ड है। ये इंकोसन का बोर्ड है, जो बास ट्रबल और मीड के लिए है और ब्लूटूथ के साथ में आता है। ये दोनों बोर्ड को मैंने साथ में लगा दिए हैं। यहाँ से दोनों के लिए सेपरेट ट्रांसफार्मर लगाया है, एक इसके लिए लगाया है, दूसरा इसके लिए लगाया है। और दो ये उसका आउटपुट है, ये उसका इनपुट है। इनपुट है जो मैंने ये इनकोशन के बोर्ड से डायरेक्ट इनपुट यहाँ देना है मुझे। यहाँ से जो आउटपुट आता है, ये डायरेक्ट ये बोर्ड से होकर ये वास कंपनी माई पीसीबी के बोर्ड में डायरेक्ट जाता है। वहाँ से जो आउटपुट आता है, वो यहाँ पर आउटपुट में जाता है। तो ये उसका आउटपुट है, ये उसका इनपुट है। यहाँ से आवाज़ जाता है और यहाँ से होकर, यहाँ से घूमकर पूरा वापस यहाँ निकल जाता है। इस तरह उसमें एम्पलीफायर को सेट करना है। दोस्तों, बहुत अच्छी तरह से ये सेट हो गया है और ये उसका पीछे का उसका लुक है दोस्तों। तो मुझे इस तरह से दोस्तों बनाना था, तो मैंने ये उसको इस तरह से बनाया है, जो आप देख सकते हैं। आप भी बना सकते हैं। बहुत अच्छा उसका साउंड है दोस्तों, बहुत अच्छा साउंड है, और सुपर डुपर बेस देता है। इस तरह से ये सिर्फ प्री एम्पलीफायर है, एम्पलीफायर नहीं है। उसको एम्पलीफायर के साथ कनेक्ट करना पड़ता है, और ये पूरा बनाने का खर्चा करीबन 2,000 रुपया आता है, क्योंकि ये बोर्ड आता है ये करीबन 700 रुपये में आता है, ये करीबन 750 में आता है, और दो ट्रांसफार्मर ऐसे मिला के 1,500 से 2,000 के बीच में ये बन जाएगा। लेकिन ये किसी भी एम्पलीफायर के साथ लगाओ तो इक्वलाइजर की तरह ये काम करेगा और मिक्सर की तरह ये काम करेगा। उसका सुपर डुपर बेस है, जो मैंने उसके अगले वीडियो में आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो दोस्तों, उसको मैंने कैबिनेट में फिट कर दिया है, जो आप देख सकते हैं। इस तरह से ये पूरा कैबिनेट बनाया है। यहाँ से इस तरह से ये पूरा कैबिनेट बन गया है। पूरा लकड़ी का प्लाईवुड से बनाया हुआ है। तो दोस्तों, उसको मैंने इस तरह से सेट कर दिया है। आवाज़ तो बहुत अच्छा है। अभी उसको साउंड टेस्ट करेंगे ये बड़े स्पीकर पर, देखते हैं कैसा साउंड आता है। उसका आवाज़ भी नहीं खोल सकते, इतना ज़्यादा उसका आवाज़ है। चलो उसका साउंड टेस्ट करते हैं कैसा आता है।
दोस्तों उसका आवाज़ भी नहीं खोल सकते, इतना पावरफुल है, प्री एम्पलीफायर है दोस्तों। दोस्तों यही साउंड टेस्ट था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू।